नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अजय शास्त्री पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नाम से वशीकरण कैसे होता है। तो दोस्तों, क्या आप भी किसी का वशीकरण करना चाहते हैं? हो सकता है आपका पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, या कोई दोस्त हो, या आपका कोई प्रेमी हो। ज़्यादातर लोग हमें यही कमेंट करते हैं, गुरुजी मेरा प्यार मुझसे दूर हो गया है, उसने मुझे छोड़ दिया है, इसलिए मुझे उसे वापस पाने के लिए उसका वशीकरण करना है। तो मुझे बताइए, मैं उसका वशीकरण कैसे कर सकता हूँ? तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि नाम से वशीकरण कैसे होता है। आप नाम से किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। हमें पता है दोस्तों, आप बहुत दुखी हैं आपके प्यार के दूर होने से। आप उन्हें जल्द से जल्द पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके बिना रह नहीं पा रहे हैं। आपका उनके बिना मन नहीं लग रहा है। उनके दूर होने से आपको उनके प्यार का एहसास हो चुका है, इसलिए आप कुछ ऐसा मंत्रा या टोटका ढूंढ रहे हैं जिससे आप उनको वापस पा सकते हैं उनका वशीकरण करके। क्योंकि आप बहुत कोशिश कर चुके हैं उन्हें मनाने की, पर वो मान नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? उसका नाम एक कोरे कागज़ पर लिखकर उसे एक काले कपड़े में बांध देना है। अब क्या करना है दोस्तों, उस पर लाल स्याही से ओम बना दें। और आपको हम एक मंत्र बताते हैं, जिसका जाप आपने 7 दिन करना है और रोज़ाना 21 बार करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मंत्र का जाप 7 दिन और 21 बार करना है। ये मंत्र है, ओम ह्रीं क्रूं पिचनी नमः। जी दोस्तों, हम एक बार दोबारा बोल देते हैं, ये मंत्र है, ओम ह्रीं क्रूं पिचनी नमः। दोस्तों, इससे आप जिसका भी नाम लेंगे वह आपके वश में हो जाएगा। अपने प्यार को वापस पाने के लिए भी इस मंत्र का जाप करें। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, शुक्रवार का दिन ही चूज़ करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। इस वजह से शुक्रवार से ही मंत्र का आपको जाप शुरू करना है। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान रहे कि यह टोटका आपको हर शुक्रवार लगातार 7 बार करना है, तभी आपका प्रेमी आपके पास वापस आएगा। दोस्तों, वही प्रेमी को वापस पाने के लिए शुक्रवार के दिन आपने एक और टोटका करना है, 7 पान के पत्ते, पानी और सिंदूर को ले लेना है। अब प्रतिदिन आपको सुबह स्नान आदि से निपटने के बाद जिस व्यक्ति का प्रेम आप पाना चाहते हैं, उसका पान के पत्तों पर नाम लिखकर पान का बंडल बना दे और उस पर सिंदूर का छींटा मार देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको उस पर सिंदूर का छींटा मार देना है। दोस्तों, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इन पत्तों को एक कटोरे में पानी में डुबो देना है। तो दोस्तों, इस तरह से आप किसी का भी नाम से वशीकरण कर सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ना ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर इसके अलावा आपकी कोई और समस्या है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम अपनी अगली वीडियो पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या पर बनाएं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।